इंतजार के बाद करोड़ों जनता का सपना पूरा हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन हो गया, इसलिए पूरे देश में खुशी का माहौल रहा। वहीं मध्य प्रदेश के सिंगरौली में भी जमकर खुशियां मनाई गई। मंदिरों को लाइट से सजाया गया और इस पावन पर्व पर सभी मंदिरों में भगवान राम की प्रतिमा का आकर्षक श्रृंगार किया गया, साथ ही दीप जलाकर भगवान का स्वागत भी किया गया। इस खास अवसर पर सिंगरौली भाजपा के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है, इसे स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि 500 साल से हर भारतीयों का सपना था कि भगवान श्री राम का जन्म स्थल अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ। मोदी जी की भाव भक्ति देख कर लगा कि भारत का नेतृत्व मजबूत हाथों में है। सिंगरौली से राजू दुबे की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले की जनता, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज के इस खुशी के क्षण पर अपने आप में गर्व की अनुभूति महसूस कर रहे हैं। वो दिन जो कि 492 वर्ष से हम भारतीयों का एक स्वप्न था कि वह रामलला भूमि पर हमारे रामलला का विराजमान होंगे, वह दिन देखने का शुभ अवसर मैं यह मानता हूं कि मैं बहुत दिनों से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी के लोगों के द्वारा उस आराध्य देव अयोध्या जैसी नगरी में उस रामलला मंदिर को मुक्त कराने का हमारे पूर्वजों ने सपना देखा था। आज मैं उसका साक्षी हो रहा हूं। हमारे इस समय में देश के समस्त देशवासी इस चीज के साक्षी बनने जा रहे हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या जैसी नगरी में रामलला मंदिर का भूमि पूजन करके इस देश को यह संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब हमारी इस देश में मात्र 2 सीटें थी, उस समय के जो भी एजेंडे थे उसमें क्रमवार लगातार अपने प्रयास करते हुए उस लंबित प्रकरणों को सॉल्व करते हुए दिख रही है। वह 370-35A का विषय रहा हो, पिछले वर्ष 5 अगस्त को ही 370-35A हटा करके कश्मीर जैसे अभिन्न अंग को इस देश में शामिल किया था, 3 तलाक जैसे निर्णय को करके और नागरिकता संशोधन अधिनियम जो कि इस देश के आजाद होने के बाद लंबित चला आ रहा था, वह नागरिकता संशोधन अधिनियम को भी पारित किया गया और आज पुनः इसी 5 अगस्त को रामलला मंदिर का निर्माण के लिए अग्रसर हुए हैं। मैं अपने सिंगरौली जिले की तरफ से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और उन विपक्षी दलों को जो समय समय पर इस मंदिर का विरोध कर रहे थे, मैं यह बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में कभी भी अंतर नहीं रहा। आज इस मोदी 2 के 1 वर्ष लगभग पूर्ण होने के अंदर ऐसी ऐसी कार्य किए गए जो कि इस देश ने कभी सोचा नहीं होगा। किसी जमाने में हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या नारा लगाया करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो विरोधियों का कहना रहता था कि रामलला तुम जाओगे लेकिन मंदिर नहीं बनाओगे। आज समस्त विपक्षी दलों पर यह करारा तमाचा लगा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने यह साबित करके दिखाया है कि जो भी उन्होंने दृढ़ इच्छा पाली थी उसको धीरे धीरे इस अपने कार्यकाल में पूर्ण करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सन 1992 में जब वहां पर कार सेवक के रूप में गए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं
अब उसी दिन आऊंगा इस अयोध्या की धरती पर, जिस दिन इस मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करूंगा। आज उन्होंने पूरा करके दिखाया है। इस देश के पूरे देशवासी, इस सिंगरौली जिले के वासी अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं अपने सिंगरौली जिले की ओर से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को पुनः बधाई देते हुए धन्यवाद।